लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की तहसील इकाई बहर संयुक्त रूप से सभी पटवारी द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं कलेक्टर, दंडाधिकारी व कलेक्टर बालाघाट के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें पटवारी द्वारा मध्य प्रदेश शासन की स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को अभी न करने हेतु ज्ञापन दिया गया। पटवारी संघ द्वारा बताया गया, इस योजना के अंतर्गत हमें आबादी सर्वे कार्य करना है, जिसके लिए जमीन का सीमांकन, चूना लाइन, साथ ही ड्रोन से भी वीडियोग्राफी करना है। अभी वर्षा ऋतु में चूना लाइन सीमांकन खेतों में पानी होने से वहां जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आबादी सर्वे कार्य सितंबर माह तक स्थगित किए जाने का अनुरोध शासन से किया गया। बहर मध्य प्रदेश से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट। हम लोगों ने आज जो है आईटीएम साहब को एक ही सूत्री मांगते हैं, हमारी स्वामित्व योजना के बारे में हमने ज्ञापन किया हुआ है। तो स्वामित्व योजना जो है वैसे मध्य प्रदेश शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें गांव में जो निवास करने वाले लोग हैं और वहां जो आबादी बसी हुई है, उस आबादी को उनके भूमि स्वामी हक में देना, और उससे वो खरीदी बिक्री कर सकते हैं, उससे लोन ले सकते हैं, उनको भूमि स्वामी हक में जमीन मिलेगी। लेकिन उसमें कंडीशन ये कि उसको हमको पहले सीमांकन करना है, और सीमांकन करने के बाद मैं उनको जितना कब्जा से चुना लाइन करता हूँ। और सीमांकन का काम जो है लगभग पहले से जो है 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है, और हमारे साथियों ने 45 डिग्री से 47 डिग्री में तिरोड़ी कटंगी में काम करके दिया गर्मी के लिए, वो स्वामित्व योजना में वहाँ सफलतापूर्वक जो है कार्य हुआ। और हमने अधिकारियों से मांग किया है कि देखिए बरसात के समय में सीमांकन नहीं हो सकता, और जब सीमांकन नहीं होगा तो हमारा उससे संबंधित जो रिकॉर्ड बनेगा, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है वो, जिससे उनके अधिकार अभिलेख बनेंगे, संदर्भ सीट बनेगी, नक्शे बनेंगे, जब उसमें विभेद आएगा, अंतर आएगा, तो वो पटवारी पे कार्रवाई होगी कि तुमने अच्छे से काम नहीं किया। और बरसात में अगर हमारा सीमांकन ठीक हो जाता तो हमको काम करने में कोई तकलीफ नहीं, हमने गर्मी में काम किया। हमारे अधिकारी समझते भी है, जानते भी है, लेकिन CLR महोदय से संचालित योजना इस कारण से जो है बार बार बीच में जो है आप काम करो, लेकिन हो ये रहा है कि हमारा पटवारी जा रहा है काम करने, एक गाँव में चूना लाइन डाला, फिर पानी आ गया, बह गया, फिर 15 दिन मेहनत की, फिर चूना, अब ऐसा तो है नहीं कि बरसात में पानी आएगा नहीं, बरसात में पानी आता है चूना लाइन बह जाती, हमारे पटवारियों की पूरी मेहनत बेकार जाती है, हमारा पटवारी निराश हो गया, हताश हो गया, अब नहीं करना चाहते, हम पहले भी बोल चुके, और हमारे पास में एक ही काम नहीं है, हमारे पास LR लिंकिंग है, हमारे पास KYC है, आधार लिंकिंग है, बहुत सारे काम है, गिरदावरी करना है। हमने प्रशासन शासन से बोला हुआ है कि बरसात के समय काम नहीं करेंगे, 15 सितंबर तक कम से कम रोके, 15 सितंबर के बाद में कम से कम उसको माहौल अनुकूल हो जाता है, 15 सितंबर के बाद हमारा पटवारी काम करेंगे, और आप चाहे कराओ तो ठीक, ना कराओ तो ठीक, लेकिन 15 सितंबर तक किसी भी स्थिति में काम नहीं कर पाएंगे, और तो काम करते तब जब हमारा काम सफल हो। मानने की बात नहीं, हमारे अधिकारी विवेकशील है, ऐसा नहीं कि हमारी बात को नहीं समझते, लेकिन ये है कि अगर नहीं मानते हैं तो भी हमारा पटवारी काम नहीं क्या अरुण गिरनवाल जिला मध्य प्रदेश पटवारी।